आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है, पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? सब मानते हैं, सब झूठे, सब झूठ बोल रहे हैं। कहाँ मानते हैं हम? बातें तो कुछ और करते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बुरी है, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ में वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ बदल क्यों नहीं रही है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दो घर हैं आमने सामने, एक है छोटा सा फ्लैट 1 BHK, मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें एक बच्चा रहता है। दूसरी तरफ उन्हीं फ्लैट्स के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, अ ह्यूज हाउस, बहुत बड़ा। वहां पर एक बिलियनेयर का बच्चा रहता है, मतलब कि अरबपति खरबपति आदमी है उसका बच्चा है। तो जब उस सड़क के बीच में खड़े होकर के हम इधर देखते हैं उस बच्चे को और फिर इधर देखते हैं, एक तरफ से एक बच्चा जा रहा है स्कूटर के ऊपर अपने पापा के साथ में बैठ करके, एक तरफ से वो बच्चा जा रहा है बड़ी सी मर्सिडीज में, वो भी एस क्लास, ऐसी वैसी नहीं, सामने एक शॉफर है, पीछे वो मजे से बैठा हुआ है और स्कूल जा रहा है अपना स्टाइल में। तो सबके माइंड में क्या आएगा एकदम से देखते ही कि हाँ देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसकी किस्मत कितनी बुरी है। अब रियलिटी को देखते हैं, ये है हमारी इमेजिनेशन, अब रियलिटी क्या है उसको जरा पकड़ते हैं। ये जो बच्चा है बिलियनेयर का, उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें एक बहुत बड़ी बैल्कनी है, वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है डेली शाम को 2-3 घंटे के लिए, और उस बैल्कनी में खड़े होकर के बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है। और वो जो दूसरा बच्चा है जिसको हम सोच रहे थे कि जिसकी किस्मत खराब है, वो क्या करता है डेली शाम को 2-3 घंटे उसके जो अपार्टमेंट्स हैं उसके साथ में एक छोटी सी गली है जहां पर डेली शाम को 10-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कभी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, कभी पिट्ठू खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। और ये जो बच्चा है जिसकी किस्मत अच्छी है ऐसा दुनिया को लग रहा है, वो वहां पर अपनी बैल्कनी में खड़े होकर के उन बच्चों को देख रहा है। उसको वहां पर जाना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स, एक दो वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है कि उनका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उनको ये सूट नहीं करता कि वो बच्चा जा करके ऐसे बच्चों के साथ में खेले, नंबर एक। नंबर दो, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। नंबर तीन, उसको कहा गया है कि आपको घर में ही रहना है, बाहर जाना अलाउड नहीं है, इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, वो नहीं जा सकता। उसका मन बहुत है जाने का, बोलता है, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। तो वो क्या करता है डेली शाम को वहां पर खड़े होकर के उन बच्चों को खेलते हुए देखता है और कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन रोज उसकी आंखों के अंदर पानी होता है। बच्चे की नजर से एक दुनिया को देखने की कोशिश करो, अपनी नजर से नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, एक बच्चे को पैसे से क्या लेना देना है? सोचो बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, पैसा या खेल? खेल। और वो ही उससे छीन लिया गया। उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है, मम्मी अपना किटी पार्टीज में बिजी है, फैक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसे जैसे पैसा आता है लाइफस्टाइल अपने आप ही चेंज होता चला जाता है, टाइम कहाँ है भाई बच्चों के लिए? तो उस बच्चे के पास ऑप्शन क्या बचा कि अपने से 50-50 साल बड़े आदमियों के साथ में जाकर के वो खेलता रहे घर के अंदर ही, चाहे घर जितना मर्जी बड़ा हो, क्या उसको मजा आएगा? खुशी छिन गई, हंसी छिन गई, और वहां पर खड़ा होकर के उन बच्चों को देखे जा रहा है और रोए जा रहा है, आंसू टपक रहे हैं रोज, उसके अंदर से तड़प रहा है कि मुझे खेलना है उनके साथ में, मुझे बाहर जाना है, मुझे किस पिंजरे में कैद कर दिया? सोने का पिंजरा है लेकिन पिंजरा तो है ना, कैद कर दिया है मेरे को यहां पर ला करके, बाहर नहीं निकलने दे रहे, मुझे खेलने नहीं दे रहे। ये हालत हुई पड़ी है उस बच्चे की। और वो जो दूसरा बच्चा है वो मजे से अपनी जिंदगी को जी रहा है, मजे से। अब बताओ किसकी किस्मत अच्छी है किसकी बुरी है? जो बिलियनेयर का बच्चा है उसकी किस्मत खराब है, उसके पास खेल नहीं है, उसके पास में माँ बाप नहीं है, उसके पास खिलौने बहुत हैं, उसके घर में एक कमरा है जो पूरा का पूरा खिलौनों से भरा हुआ है, हजारों खिलौने हैं, और उस मिडिल क्लास वाले बच्चे के पास में सिर्फ 4 खिलौने हैं, लेकिन उन 4 खिलौनों का उस बच्चे में क्रेज है, उसमें इन हजारों खिलौनों का भी कोई क्रेज नहीं है। सोचो एक बच्चे के लिए इससे खराब किस्मत क्या हो सकती है कि उसके अंदर से खिलौनों का ही क्रेज निकल जाए। तो ये है अभी तक का सिनेरियो। अब इसको एक इस कहानी में हल्का सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं। वो जो बच्चा है मिडिल क्लास बैकग्राउंड का, वो भी बीच बीच में वो उस बड़े घर की तरफ देखता है,
और उस बच्चे को वहां पर खड़ा हुआ देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितने बड़े घर में रह रहा है, कि हमारा ऐसा घर क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पापा के पास में स्कूटर क्यों है, मर्सिडीज क्यों नहीं है, इतना बड़ा घर क्यों नहीं है, घर के अंदर इतनी बड़ी लॉन क्यों नहीं है, इतने सारे नौकर क्यों नहीं है, इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, इतने सारे टॉयज क्यों नहीं है। अब किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी बुरी है, पकड़ो इस चीज को जहां मैं जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों की अच्छी है और दोनों की बुरी है। जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं, तो हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। ये पल पल का खेल है, एक एक सेकंड में किस्मत बदल रही है। और किसकी वजह से बदल रही है, इसकी जड़ क्या है, हमारे अपने ही डिजायर्स, हमारे अंदर जो डिजायर्स छुपे हुए हैं वो है सारी की सारी जड़। तो अगर हमें अपने डिजायर्स को बदलना आ जाए तो क्या होगा, किस्मत बदल जाएगी। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए यहां पर स्टेज पर, जिसका किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ में बहुत सीरियस अफेयर चल रहा हो और यहां पर आकर के वो थोड़ा बहुत शेयर करने में उनको प्रॉब्लम ना हो, कौन आना चाहेगा, आप आना चाहेंगे, आ जाओ। क्या नाम है आपका? ऑगस्टिन। तो आपका लड़की के साथ है फिर है लड़के के साथ है? यार हंस क्यों रहे हो, पूछ लेना ठीक रहता है। तो अगस्तिन, कितने टाइम से चल रहा है आपका अफेयर? साढ़े तीन साल। साढ़े तीन साल से। तो आप इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करना है, रियलिटी नहीं है, कि कल वो आपको डम कर देती है, ठीक है, इमेजिन करो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, है ना, हो सकता है आपसे बेटर कोई मिल जाए उनको, हो सकता है मैं इन दोनों के बीच में आ जाओ। हाँ, तो वो आपकी अच्छी किस्मत होगी या बुरी किस्मत होगी, सोच के बोलना, कहीं ऐसा ना हो ये वीडियो देखने के बाद में सच में डंप कर दे। आप ही बोलोगे जो बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बताओ आराम से सोच लो। अगर अगर वो किसी और के लिए इनको कल डंप कर दे, मतलब के छोड़ दे, तो ये इनकी अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है, मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग मत बोलो, आपको कोई डंप नहीं कर रहा है, इनको कर रहा है, इनको बोलने दो। हाँ बताओ। अच्छी किस्मत है। भाई ये तो गया। आपकी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर? अभी नहीं है ना, मैं बताता हूँ जब ये वापस जाएंगे तो क्या होगा, मैं बताता हूँ। अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। शहीद हुआ। और रीजंस बताओ, अच्छी किस्मत के भी और बुरी किस्मत के भी। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं देखो, ध्यान से देखना, जहां इनका ध्यान गया पॉजिटिव की तरफ किस्मत अच्छी हो गई, जहां ध्यान गया नेगेटिव के ऊपर कि अब मैं क्या करूंगा, साढ़े तीन साल से हम साथ में थे, मैं एकदम से अलग हो गया, तो ये अंदर से टूट जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे पूरी तरीके से, देवदास बन जाएंगे, शुरू हो जाएंगे डेली लवली लवली। होता है, होता है लोगों के साथ में। तो ये है एक एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम क्या है, जैसे ही आपने इस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखा, आप क्या हो रहे हो, अंदर से कमजोर हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, स्ट्रांग होते चले जा रहे हो।
देखो लाइफ में कभी भी ये मत सोचना मुझे सिर्फ पॉजिटिव देखनी है, पॉजिटिव भी देखो और नेगेटिव भी देखो, लेकिन चूज करो पॉजिटिव को। ये करना है। तो आपने नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया अभी तक, मतलब उनसे अलग होने का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है? अच्छा, कोई चांस ही नहीं है। बहुत बढ़िया, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ये जो फंडा अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में कि एक सिचुएशन की हम नेगेटिव साइड भी देख सकते हैं, पॉजिटिव साइड भी, इसी सेम फंडे को आप कहीं पर भी लगा दो, अपने ऊपर लगाओ। हर इंसान के अंदर इस पूरी दुनिया में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। क्या कोई एक भी ऐसा इंसान है इस ऑडिटोरियम में, या ऑडिटोरियम छोड़ो पूरी दुनिया में, जिसके अंदर स्ट्रेंथ्स तो हो वीकनेसेस ना हो? तो हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। तो जब भी हमारा ध्यान अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ होता है तो हमारी किस्मत अच्छी होती है, और जब भी हमारा ध्यान अपनी वीकनेसेस की तरफ होता है तो हमारी किस्मत बुरी होती है। आसमान में एक पंछी उड़ रहा है, जब तक वो उड़ रहा है मजे से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है। उसने मछली को पानी में तैरते हुए देखा और वो मछली बनने की कोशिश कर रहा है। उसका मन कर रहा है कि हाय मैं पानी में तैर क्यों नहीं पा रहा, मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूं, और मछली भी उसको देख करके यही सोच रही है कि मैं उड़ क्यों नहीं पा रही। जिस आदमी को देख करके आप सोच रहे हो ना, किसी 50 साल के आदमी को, कि यार क्या लाइफ है, बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना ये है, इतना वो है, वो पता है क्या सोच रहा है उस समय आपको देख करके? अगर आपकी एज है मे बी 20-25 साल, आप एक स्टूडेंट हो, आपको देख करके वो मन ही मन सोच रहा है कि काश मेरे सर पे भी ये बाल होते। कि काश मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी होती, इतना एक्साइटमेंट होता जो इसके अंदर है। काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते, काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती, काश मैं वापस से उस टाइम में चला जाऊं। जब भी वो ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसकी किस्मत खराब है। और जैसे ही उसने ध्यान दिया कि मेरे पास में क्या है, बिजनेस है, तो इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ करूं, पूरे पैशन के साथ करूं, जो इंप्लॉइज हैं उनके बारे में सोचूं, इस दुनिया के बारे में सोचूं, क्लाइंट्स के बारे में सोचूं, इस दुनिया में आकर के सिर्फ अपने बारे में सोच करके जाना नहीं है, मरना नहीं है, बल्कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है। कि अगर आप आए हो इस दुनिया में, बहुत लोग मुझसे पूछते जिंदगी का मकसद क्या है, यही मकसद है भाई, आप इस दुनिया में आए हो, अगर आपने किसी एक भी इंसान की लाइफ थोड़ी सी बेटर बना दी ना, थोड़ी सी आपकी वजह से किसी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ गई, किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ गई, तो समझ जाओ आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कितने लोग मैरिड हैं यहां पर? मैरिड हैं। अब देखो कितना आसान है ये चीज समझना कि जहां आपने अपनी वाइफ की बुराइयां देखनी शुरू करी, बुराइयां हैं उसके अंदर, है या नहीं है? है। अच्छा आप हंस रहे हो, है, सबके अंदर है, और पता नहीं कितनी है, पता नहीं कितनी है। जहां आपका ध्यान अपनी वाइफ की बुराइयों की तरफ गया, आपकी किस्मत फूट गई। लोग समझ नहीं पा रहे खेल को, लोग समझ नहीं पा रहे, वो पता है क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उस सामने वाले बंदे की तारीफ करूंगा या उसकी अच्छाइयों को देखूंगा तो उसमें उसका फायदा है। समझो, बारीकी से समझो, आप उस पर एहसान नहीं कर रहे उसकी अच्छाइयां देख करके, आप अपनी किस्मत को अच्छा कर रहे हो उसकी अच्छाइयां देख करके। आप उसकी अच्छाई देखने से उसकी किस्मत तो बाद में अच्छी होगी, पहले आपकी खुद की किस्मत अच्छी होगी। समझो, आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आएंगी, आपको अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा, आप शांत हो जाओगे, आप खुशी से झूम उठोगे, फिर आपको सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। थॉट प्रोसेस है ना, जहां डायरेक्शन दे दी, थॉट तो वहीं चलने लग जाएंगे।
जहां आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हुआ अनलिमिटेड है, नेगेटिव दिखना शुरू हुआ अनलिमिटेड है। अब चॉइस आपकी है कि कब तक नेगेटिव देखना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पॉजिटिव देखो, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप देखो ना नेगेटिव देखो, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या है कि अगर आपने एक साल तक किसी दूसरे इंसान की नेगेटिव क्वालिटीज को देखा, किसी सिचुएशन की नेगेटिव साइड को देखा, अपनी वीकनेसेस को देखा, अपने फेलियर्स को देखते रहे और उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखा, तो जब तक भी आप देखोगे एक साल तक, दो साल तक, दस साल तक या पूरी की पूरी जिंदगी, तब तक आपकी किस्मत फूटी हुई है, बेकार है, किस्मत खराब है। अपने अंदर झांक करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और जहां एक सेकंड लगेगा आपको, एक सेकंड, दस साल बाद आप जाग गए एकदम से, मेरी ये वीडियो देखी और आपको एक खेल समझ आ गया कि अच्छा इसका मतलब मेरी किस्मत बाहर किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं कर रही, मेरे अपने नजरिए पर डिपेंड कर रही है, तो मैं क्यों ना बदलूं अपने नजरिए को। मैं बदल रहा हूं, मैं बदल रहा हूं अपने नजरिए को। मैं कोई जानवर नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं चॉइस ले सकता हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे ये चूज करने से नहीं रोक सकती। मैं देखूंगा इसकी पॉजिटिव साइड को, इस सिचुएशन की। दुनिया देखती है नेगेटिव को, देखने दो, मैंने पॉजिटिव चूज किया। तो 10 साल तक आपकी किस्मत खराब थी, एक सेकंड में आपकी किस्मत अच्छी हो गई। एक सेकंड में। आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में। जिस वक्त उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, तो हमारी किस्मत बुरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। ये पल पल का खेल है। आसमान में एक पंछी उड़ रहा है, उसने मछली को पानी में तैरते हुए देखा और वो मछली बनने की कोशिश कर, और मछली भी उसको देख करके यही सोच रही है कि मैं उड़ क्यों नहीं पा, मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ। लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उस सामने वाले बंदे की तारीफ करूंगा तो उसमें उसका फायदा है। आप उसमें एहसान नहीं कर रहे उसकी अच्छाइयां देख करके, उसकी अच्छाई देखने से उसकी किस्मत तो बाद में अच्छी होगी, पहले आपकी खुद की किस्मत अच्छी होगी। अगर आपने एक साल तक अपने फेलियर्स को देखते रहे और उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखा, तब तक किस्मत खराब है। और जहां 10 साल बाद आप जाग गए, कोई खेल समझ आ गया, अच्छा इसका मतलब मेरी किस्मत बाहर किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं कर रही, मेरे अपने नजरिए पे डिपेंड कर रही है, तो मैं क्यों ना बदलूं अपने नजरिए को। मैं बदल रहा हूं, मैंने पॉजिटिव चूज किया। तो 10 साल तक आपकी किस्मत खराब थी, एक सेकंड में आपकी किस्मत अच्छी हो गई। तो जब भी हमारा ध्यान अपनी स्ट्रेंथ की तरफ होता है तो हमारी किस्मत अच्छी होती है, और जब भी हमारा ध्यान अपनी वीकनेसेस की तरफ होता है तो हमारी किस्मत बुरी होती है।